अरे भगवान, ऐसे नहीं लगाते। अरे मैं देख ले, टैटू बना रही है। एक आदमी उसी औरत की फोटो खींचता है जिससे वो मोहब्बत है इजहार करता है। मैं अभी अभी यहाँ पे आया था इस वाली बिल्डिंग में, और भाई यहाँ लाइट जा चुकी है और पानी भी नहीं आ रहा। मतलब हमारी दिन की शुरुआत ही बहुत बेकार होती है। और एमा अभी आ रही है, अब है कुछ सामान लेने गया है, तो आज हम पेंट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसा होता है। मेरे को तो लग रहा है कि आप लोगों को मजा आएगा और हमारे साथ बहुत बुरा बुरा होगा, तो देखते हैं। तो अभी हमारा डिसाइड हो चुका है कि हम ये वाले वॉल पे ना ब्लैक कलर का कुछ स्टिकर टाइप का चिपकाएंगे और उस वाले वॉल पे करेंगे पेंट इसकी शक्ल जैसा काला। ओ भाई, तो भाई जल्दी से सामान लेके आते हैं। तो तू क्या करेंगे यार? मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं काम वाम करूंगी। तो भाई तुम लोग काम मैं करूँ, ठीक है? तो हम लोग सामान लेके आते हैं और फिर देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता। तो भाई ये हमेशा ही हमारे साथ होता है, हम जब भी कुछ अच्छा करने निकलते हैं हमारे साथ गलत ही होता है। देखो पूरा मतलब आज ही का इकलौता दिन ऐसा था जिस दिन जिस दिन पूरा मार्केट ही बंद है और जो दुकानें खुली हुई है उसके अंदर सामान नहीं है उस तरीके का जो हमें चाहिए। तेरी शक्ल के जैसा सब कुछ खराब होता जा रहा है ना। प्लास्टिक सर्जरी करा इसका भाई, कसम से यार सब बंद है और ना कुछ मिल रहा है। अब पेंट ही कराना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब देखते हैं, चलो। A few moments later. तो हम अपना पेंट लेके आ चुके हैं और ये ना प्योर ब्लैक नहीं है, खुलेगा कैसे? चॉकलेट लग रहा है उस पर, प्योर ब्लैक नहीं। तो पहली बार हम लोग पेंट करने वाले, मैंने जीवन में कभी पेंट नहीं करा। चल भाई पेंटर, तो बता कितने को डालना है? डाल ये होता है हमारा 1 लीटर का है। हाँ। तो इसको ना ज्यादा 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 इतना बनना है। कितना दिखा? इतना बस, क्योंकि आधा ही आधा लीटर हो जाएगा, एक फुल हो जाएगा, तो बनाओ। ठीक है डाल, यही साइंस है। बहुत बढ़िया भाई, ठेकेदार है आपका, ऐसे ही आप दिहाड़ी पे आए हो। बस भाई सीख जाते हैं गरीबी में, काम आएगा आगे। मजबूरी सब कुछ करा देती है। अब है कि पापा ठेकेदार है, समझ रहे हो? ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है इंग्लिश में। बोले कुत्ते को देखो, देखो देखो। अरे भगवान, ऐसे नहीं लगाते। अरे मैं लिख देती, टैटू बना रही है, नाम लिख देती मैं भाई। उसमें ऐसे मारना पड़ता है, रोलर आ गया। देख देख नीचे से कितना गिरा दिया, देख देख ये देख देख इसे नीचे कितना गिरा दिया एक ही बार में। बर्बाद कर देगी एक बार में, पहले अरे अभी मत करो, इसके ऊपर हमें टेप भी लगाना है। इधर नहीं, अभी टेप लगाना, अभी मत लगाओ। टेप क्यों लगाना है? मैं बता रहा हूँ ना। अरे लो मैं करती, ये भी तो मैं नहीं आता, पकड़ो इसको। तुम जवाब यहाँ, तुम तो खानदानी पेंटर हो ना भाई। पता कैसे करते थे, एक बंदा पेंट मारता है और एक बंदा उसके ऊपर ब्रश मारता है, ऐसे होता है। ये देख यार, वैसे रोलर से भी हो जाएगा। बता मेरे घर में अंकल आए थे यार पेंट करने, तभी मैंने सीखा। एक चीज सोचो, इतना हमारा हो गया, अब तुम लोग ही हो गई लड़ाई छोड़ और छोड़ के चले गए हम लोग। सही लगे पड़े तुम दोनों तो, है ना? तुम्हें देख के लग रहा है मैं भी कर लो। दीवार में लग जाएगा ये रोलर, लग जाएगा ये रोलर, लग जाएगा। देख 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 मैं बोल ही रहा था, ये नहीं करना ना। पोछो जल्दी उसको पोछो, उसको पोछो जल्दी जल्दी जल्दी, पक के जा। छोटे रोलर से कर देते हैं, ये देख पोछ भी किससे रहे हो? मैं पेंटर बन सकती हूं। हां वीडियो का काम छोड़ के पेंटर का काम शुरू कर दे। ठेकेदार है वहां। अच्छा लग रहा है, मैं सूट हो रहा है, पता है तुम्हारे नाम पे सूट हो रहा है। ठेकेदार यहाँ एक बूट लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स किसी को करवाना हो तो बताना। पागल, सर पे कौन लगाएगा? अभी देख रहा है ये गलती कर रही है, इनकी गलती नहीं देखी। Wow. इतनी सावधानी से गलतियां करते, इतनी सावधानी से कि आगे वाले को पता ना चले। कितनी पसीने में हो गई हो।
कोई हो वैसे ही चमकता है। को कुछ आता ही नहीं है मुंह चलाने के अलावा और निकल निकल अलावा। जवाब तू चलाती है। फिर लड़ना चाहते हो? उस दिन भी जब हम मॉल पे गए तो बेफास्ट हुआ तो खुद ही तेरे को गिरता रही है। अगर वो किलस के तेरे को पेन देता तो क्या करती? मैं बोल देती कि लड़का छेड़ रहा है। वाह वाह। फिर मैं तुम्हें केस बना के अलग से वो होता नहीं कि लड़कों का मतलब कुछ केस डाल देते फिर जेल चले जाते नुकसान तुम्हारा था मेरा था। अगले दिन फिर आ जाती मैं। अब सीढ़ी लेके आते हैं। ये सीढ़ी हम रेंट पे लाए थे पूरे 15 रुपए का। यार बड़ा सी सीढ़ी। हाँ एक दिन का 15 रुपए बस पर सस्ते मिल गया भाई। पसीने से लथपथ हो रहा है ना। गर्मी लग रही है। अच्छा था कहाँ लगा ना ऐसे ऊपर ऊपर देख। यहाँ ये जो लाइन है ना यहाँ तक लगा। इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा। नहीं है भाई सही गर्मी लग रही है ना। तो भयंकर भयंकर गर्मी लग रही है। तो अब है पेंटर लग चुका है काम पे। भाई कितनी सैलरी लेते हो? 350। बस थोड़ा बहुत मिल जाता है। महीना महीना चल जाता है। बीड़ी सिगरेट आ जाती है। मस्त पोज बना रखा है। ओ भयंकर भयंकर जानवर लग रहा था एक ही मिनट में। बहुत खतरनाक जानवर भाई साहब। पोज देखो पोज। तो अभी अभी हमारा एक दीवार कंप्लीट हो चुका है हम तीनों की मेहनत से। ठीक है सबसे ज्यादा मेहनत मैंने किया आप लोगों ने देखा है। ठीक है तो अभी करते हैं दीवार की अनबॉक्सिंग। गद गद कर निकाल बेटे। सबसे ज्यादा कम तक तेरे ही डालूंगा। देखो फिनिशिंग आ रही है। अबे यार ऐसा लग रहा पेंट अंदर घुस गया। अरे हाँ यार दूर से पता नहीं चल रहा लेकिन क्लोज आके देखोगे ना तो हल्का हल्का वो रहेगा। वो सीधा नहीं आया। मतलब जितनी मेहनत हमें इस दीवार पे लगी है ना उससे ज्यादा मेहनत लगने वाली है इस वाले दीवार पे। अभी हमने टेप वेप मार दिया है तो अभी इस पे भी करते हैं फटाक से। तो हमारा काम हो चुका है। जो कि होली जुदाई कर रहा हूँ भाई। ऊपर का तो मैंने करा है ना। ये जो ऊपर देख रहे हो ना गाइस ये मैंने करा है। और ये नीचे करा है। गलत टाइम पे बस वीडियो ऑन होती है। और तू क्या कह रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा? ये अच्छा नहीं लग रहा भाई। मेरे को तो सही लग रहा है। बैठे बैठे ही थक जाते हैं लोग। कुछ काम कर रहा है नहीं हल्का फुल्का हाथ पांव भी चले जाते हैं। अरे तो भाई किया है मैंने गाइस। ये लोग अब है लेने गया है थोड़ी बिरयानी बिरयानी फुल खाएंगे। लेकिन सही में थक गया हूँ मैं बैठे बैठे। देख रहा है देख रहा है। हाँ अपने मुंबई मान लिया उसको। मुंबई छाप दूंगी ध्यान में। ये अनबॉक्सिंग हो रही है। हो गई। अरे जितना हो गया उतना ठीक है। ठीक है ना ओके। तो कुछ कर बोल नहीं रहे। तो फिलहाल के लिए हमारा रूम कुछ इस तरीके का बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ देखो। और ये कुछ हफ्सी लोग खाना खा रहे हैं जिन लोगों ने कुछ ज्यादा मेहनत करी है ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए मेरे को इतनी ज्यादा भूख लगी है। जिस अकॉर्डिंग हमने मेहनत करी है ना उस अकॉर्डिंग हमें केएफसी में जाना चाहिए। गरीब लोग केएफसी में जाएंगे। तो देखो गाइस अभी थोड़ा सा और होगा उसको भी हम दिखाएंगे। और इस ब्लॉग को ना मतलब आज का भी बनाएंगे और कल का ही बनाएंगे क्योंकि कल थोड़ा बहुत काम और करेंगे। तो दोनों दिन का मिला के आपको वीडियो देखने को मिलेगा। फाइनल लुक कल दिखेगा। हाँ तो अभी कल का वेट करो। अभी बहुत सारा काम है। ये लाइट वगैरह भी लगाना है। ये पत्ते वत्ते बहुत काम है अभी। आप कहते हो तो काम भी कर लिया करो। तुम कुछ काम नहीं करते। करता हूँ मैं बस किसी को दिखता नहीं है। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं। तो रूम डेकोरेशन का आज है डे टू और आज 14 अगस्त है तो इसीलिए हम अपने 15 अगस्त की शूट भी कर रहे हैं जो कुछ इस तरीके का चल रहा है अभी। ओ मत करो ना।
तो मतलब ऐसा कुछ चल रहा है, ये वाला काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फ्लैट पर जाएंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे उस चीज को। तो 15 अगस्त का वेट करो क्योंकि उस दिन पे कुछ बढ़िया बढ़िया रील आने वाले हैं। तो ठीक है, जोरू का गुलाम। नहीं ऐसे एक आदमी उसी औरत की फोटो खींचता है जिससे वो मोहब्बत इजहार करता है। जैसी हमारी फोटोग्राफी कंप्लीट होगी वैसे हम फ्लैट पे जाएंगे और तब जाके दिखाएंगे आपको पूरा सीन क्या है। पर भाई कसम से कह रहा हूँ, इस बार हमारी जो हम बहुत टाइम से एक नियॉन लाइट मंगा रहे थे वो भी आ चुकी है, आयमा के घर पे ही है, उसको दिखाते हैं अभी। मतलब रूम बहुत सेक्सी होने वाला है तो जल्दी से चलते हैं। तो अभी हम लोग थके हारे घर पे मतलब फ्लैट पे आ चुके हैं। तो भाई आज क्या क्या काम करना है, सबसे पहले इसकी लाइटिंग चेंज करनी है, उसके बाद जो ये हमारा नया लाइट है उसकी भी करनी है और इसको भी लगाना है। तो मैं जाके एक भाई इलेक्ट्रिशियन लेके आता हूँ, तू कुछ खाने का लेके आ और तू सफाई कर। मैंने सफाई कर दी है तो मैंने कर ली। भाई तो बता ये सामान यहाँ पड़ा है, हटाओ इलेक्ट्रिशियन आ। तू ले रखा है सामान, दो बैग हटा ले, हटा ले ये निकम्मी लड़की। क्लियर कर दे बस, ये कह रहा हूँ मैं लेके आता हूँ। और नारा अंकल वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉग ब्लॉग है ना। अंकल फोटो कह रहा हूँ, वीडियो बना देंगे आपकी पूरी। हाँ यार ये नहीं चल रहा। मैंने काम कर करके बहुत ज्यादा थक गया था तो मेरी काम वाली भाई मेरे मसाज करके अरवन अरवन क्लैप से। तो गाइस फाइनली हमारा पूरा काम हो चुका है और मैं इतना ज्यादा थक गया हूँ कि अब मैं मालिश करवा रहा हूँ। वो तो मेहरबानी इसकी जो कर दे रही है, पता नहीं कौन सा खुशनसीब था मैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरा किस तरीके का बना है, ठीक है, एंड में दिखाएंगे। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक कमेंट शेयर कर दो भाई। आजकल डेली ब्लॉग भी हम डाल रहे हैं, तो अब रूम देखो। तो अब हमारा रूम बिल्कुल रेडी है और 3, 2, 1 ये तो कुछ इस तरीके का हो रखा है ये। पर हमारा ये बना नहीं भाई, उस बंदे ने गोली दे दी हमें, लेकिन बड़ा ही प्यारा सा लग रहा है, बहुत कूल सी वाइब आ रही है, मतलब मजा आ रहा देख के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।